हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय चैनल चलो लर्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। तो मैं आज शेयर कर रही हूँ आवर अर्थ चैप्टर के और भी क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और डेफिनेशन भी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, इसका पार्ट वन मैंने पहले ही डाला हुआ है। अगर ये चैप्टर आपके बच्चे की क्लास में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप इसी तरह बच्चों को समझा भी सकते, क्योंकि एक तो वो अच्छे से जान भी जाएंगे और फिर किसी ना किसी क्लास में उन्हें ये सब पढ़ना तो होगा ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेन डायरेक्शंस। तो द मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये मेन डायरेक्शन होते हैं। सेकंड है, नेम द कंटिनेंट्स ऑफ द अर्थ। द कंटिनेंट्स ऑफ द अर्थ एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका और अफ्रीका। तो कॉन्टिनेंट्स मीन्स होते हैं महाद्वीप, यानी कि सात कॉन्टिनेंट्स होते हैं अर्थ में, ठीक है, सात महाद्वीप होते हैं जो कि मैंने अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑल द ओशंस ऑफ द अर्थ। ओके, सागर महासागर कितने होते हैं? तो ओशंस होते हैं चार, महासागर चार होते हैं। तो पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर और आर्कटिक ओशन, ठीक है, ये चार होते हैं। What are landforms? Give example. तो area that are rough, flat, low and dredged high in nature are called landforms. Means वो area जो समतल हो, flat हो, ऊपर की ओर उभरे हो, यानी कि जैसे mountain वगैरह होता है, mountain हो गया, plains हो desert, गया, desert valley, ये सब landforms हैं। अब आते हैं multiple choice question में, जिसे द टॉप ऑफ द मैप पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, क्योंकि जो मैप का जो टॉप होता है वो नॉर्थ की ओर रहता है, ठीक है। द बॉटम ऑफ द मैप टू पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ। ओके, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। नेक्स्ट है, इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो एशिया। और फिर है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द आइलैंड कॉन्टिनेंट, तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। फिर है, फिल इन द ब्लैंक्स, अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस, होता है ना, मैप का जो बुक आता है उसे क्या कहते हैं, एटलस। अ डैश इज द मॉडल ऑफ द अर्थ, अर्थ का मॉडल ग्लोब होता है, तो अ ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। फिर है, द डैश इज द लार्जेस्ट ओशन, तो लार्जेस्ट ओशन क्या है, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। फिर नेक्स्ट है, द डैश इज द स्मॉलेस्ट ओशन, तो स्मॉलेस्ट ओशन है आर्कटिक। फिर द डैश आर लार्जेस्ट सॉल्टी वाटर बॉडी, तो सीज, समुद्र का पानी जो है वो बहुत ही खारा होता है, नमक का होता है, तो यहाँ पर सीज हो जाएगा। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग, इन सबको डिफाइन करना है। तो इसमें फर्स्ट है ग्लोब, तो ग्लोब इट इज़ द मॉडल ऑफ अर्थ। सेकंड है मैप, इट इज़ द ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस पे जो ड्राइंग होता है वो मैप होता है। कंपास, इट इज़ द डिवाइस यूज्ड फॉर लोकेटिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन को लोकेट करने के लिए कंपास का यूज़ करते हैं। फिर कॉन्टिनेंट, इट इज़ अ वेरी लार्ज मास ऑफ लैंड। फिर ओशन, इट इज़ अ लार्ज वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। तो ये सब का डिफिनेशन हो गया, इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं और याद करा सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, ग्लोब एंड मैप्स हेल्प अस टू स्टडी द अर्थ, तो ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल हेल्प करते हैं। फिर है सीज आर स्मॉलर देन ओशंस, तो हाँ ओशंस बड़ा होता है, सी छोटा हो गया, तो ट्रू होगा ये भी। मरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन, तो हाँ मरियाना गर्ज सबसे गहरा है अर्थ में, ठीक है, और जो कि पड़ता है पैसिफिक ओशन में, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन हेल्प अस टू फाइंड द लोकेशन ऑफ प्लेस, तो बिल्कुल ट्रू, डायरेक्शंस जो है वो हेल्प करते हैं लोकेशन को ढूंढने में। द पैसिफिक ओशन इज़ द डीपेस्ट ओशन, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ओके, सबसे गहरा महासागर यही है पैसिफिक ओशन। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको बच्चों को पढ़ाने में ज़रूर हेल्प मिली होगी, आप इसी तरह से समझाएँ बच्चों को। और क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाने में हम लोगों को भी बहुत नॉलेज हो जाती है, कुछ कुछ हम लोग भी नहीं जानते हैं, वो हमें नॉलेज मिल जाता है। तो इसलिए तो हर उम्र में पढ़ाई बहुत ज़रूरी होता है, ज़रूरी नहीं कि जब पढ़ने का उम्र हो तभी, इसीलिए हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर अर्न करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
ओके फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कीजिएगा, बहुत सारे वीडियोज डले हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।